Hello student, today we see the comparison instructions. Okay, so see the comparison instructions. First point, some PLC modules have only two basics compare functions, equal and greater than or equal to. Okay, most of the jo PLC modules hai usme basics do hi comparison functions hote hain, that is the equal, greater than or equal to. Okay, then see other four functions, not equal, less than, greater than and less than or equal to, can be formed by combining two basic compare functions. Means ये जो दो compare function हैं, इन दोनों को combine form में हम लोग ये बाकी के जो functions हैं, not equal, less than और greater than and less than or equal to, ये हम लोग form कर सकते हैं. Okay, इसका comparison functions का different comparison functions भी हम लोग figure में देखने वाले हैं. द कंपेयर फंक्शंस ब्लॉक्स आर इनपुट कॉन्टैक्ट्स. ओके, जो भी कंपेयर फंक्शन ब्लॉक्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, इनपुट कॉन्टैक्ट्स रहेंगे. एग्जाम्पल शोज द इक्वल ई क्यू यू फंक्शंस दैट कंपेयर्स टू इंटीजर नंबर्स, ये भी देखने वाले हम लोग. इफ़ दीज नंबर्स आर इक्वल द आउटपुट बीट इज़ ट्रू, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स. मीन्स ये जो दो नंबर्स हम लोग इक्वल करने वाले हैं, ओके, वो अगर क्या है, इक्वल है, देन आउटपुट बीट इज ट्रू रहेगा, अदरवाइज इट इज फॉल्स रहेगा. ओके, सो सी दिस एग्जाम्पल, दैट इज द कंपेरिजन फंक्शन, दैट इज द इक्वल फंक्शन. ओके, एन सेवन एस टू जीरो वन एंड एन सेवन एस टू जीरो टू, और ये आपका रहेगा आउटपुट. ओके, सो इसमें क्या होगा, अगर ये दोनों जो नंबर्स है वो अगर सेम रहेंगे तो ही ये जो इक्वल का फंक्शंस है वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, अदरवाइज इट इज फॉल्स. ओके, सो देन सी द डिफरेंट कंपैरिजन फंक्शंस, दैट फर्स्ट वी ऑलरेडी सी दैट इज ई की यू, दैट इज इक्वल, देन नेक्स्ट इट इज एन ई क्यू, दैट इज द नॉट इक्वल, एल ई सी इट इज डिनोटेड एज लेस दैन, एंड एल ई क्यू इट इज एज अ लेस दैन और इक्वल, GRT it is the greater than, and GEQ it is the greater than or equal, CMP जो expression हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वो क्या denote करता है, compare two values for equality, और LIM क्या है, low limit value और and high limit. ओके, ये किस लिए होगा, check for the value between limits. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट कंपैरिजन फंक्शंस. वी ऑलरेडी सी द कंपैरिजन फंक्शन, दैट इज ई क्यू यू इन ब्लॉक कंपैरिजन फंक्शन. ओके, सो देन सी एग्जांपल, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड द फंक्शन रिस्पेक्टिव आउटपुट बिट इज सेट और रिसेट. मीन्स ये जो हम लोग कंसिडर करने वाले हैं ए और बी फंक्शंस, ठीक है, उसका जो आउटपुट है वो सेट और रिसेट हम लोग कर सकते हैं. वो किस पे डिपेंड रहेगा, ये दो जो वैल्यूज़ है ए एंड बी पे डिपेंड रहेगा. ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी इंटीजर नंबर्स आर ए इज इक्वल्स टू एन सेवन एस टू थ्री इज इक्वल्स टू फोर. ओके, और बी का लेते हैं एन सेवन एस टू फोर इज इक्वल्स टू टू. ओके, अभी इसको हम लोगों को आपको क्या करना है, डिफरेंट कंपैरिजन फंक्शंस अगर आपको यूज़ करना है ये दो इक्वेशन के बेसिस पे, तो क्या होगा, देखो, देन आफ्टर डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेशन द स्टेटस ऑफ द डिफरेंट आउटपुट्स आर. सो फर्स्ट जो हम लोग कंसिडर करेंगे, देखो क्या है, ज़ीरो एस टू ज़ीरो वन ज़ीरो एस टू ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो. ओके, इसमें क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू बी इज़ नॉट ट्रू. ओके, ओके, जो फर्स्ट जो हम लोगों ने देखा है, दैट इज ए इक्वल्स टू बी, यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू बी है क्या, मीन्स ए अगर फाइव है तो बी कितना है, यहाँ पे टू है, तो इट इज़ ट्रू, नो इट इज़ नॉट ट्रू. सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इज़ नॉट ट्रू, सो यहाँ पे क्या आएगा, ज़ीरो आएगा. ओके, सो सेकंड कंडीशन देखो क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी जो है वो ट्रू होगा, यस, बिकॉज ए की वैल्यू फाइव है और बी की वैल्यू कितना है, टू है. सो ये जो है नॉट इक्वल है,
सो ये जो कंडीशन है वो क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, सो इट इज़ वन. ओके, सो देन सी ए लेस देन बी, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 2 है. सो ए लेस देन बी है क्या, मीन्स ए जो है बी से कम है क्या, नहीं. सो इट इज़ नॉट ट्रू. सो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा. ओके, सो सी द सेकेंड नेक्स्ट, दैट इज ए लेस देन इक्वल्स टू बी. अभी हमने देखा कि ए जो है बी से कम है क्या, नहीं है, और इक्वल तो नहीं है. सो ये भी कंडीशन क्या होगी, इज नॉट ट्रू. सो इज नॉट ट्रू मीन्स दैट इज द फॉल्स. सो इट इज 0 आएगा यहाँ पे. नेक्स्ट देखो, ए ग्रेटर देन बी, यस, बिकॉज ए है आपका 5 और जो बी है आपका 2 है. सो ऑलरेडी ए जो है वो क्या है, दैट इज ग्रेटर देन. सो ये जो कंडीशन है वो क्या रहेगी, ट्रू रहेगी. इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज द आउटपुट, इट इज 1. ओके, देन सी द नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी. सो ए ग्रेटर देन बी तो ट्रू कंडीशन है, लेकिन इक्वल्स टू ट्रू कंडीशन है क्या, नहीं है. लेकिन इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये जो कंडीशन है वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा. सो आउटपुट क्या आएगा, इट इज 1. इन दिस वे द कंपैरिजन ऑपरेशन विल बी परफॉर्म इन डिफरेंट केसेस. ओके, सो सी द नेक्स्ट, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपैरिजन फंक्शन. दिस वन इज ऑलरेडी सी, देन एन ई क्यू एल ई सी एल ई क्यू ग्रेट जी आर टी एंड जी ई क्यू. ओके, अभी ये सब सिर्फ क्या लिखा है, कहाँ कैसे लिखा है, इन ब्लॉक फंक्शन में लिखा है. ओके, सो ऑलरेडी हम लोगों ने ये देखा है कि ये फंक्शंस कैसे हम लोग जो है इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो इन दिस वे दिस इज़ द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ कंपैरिजन फंक्शंस. थैंक यू.